केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड ने जबरदस्त तबाही मचा दी। पिछले 72 घंटे के अंदर हिमाचल में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन और मंडी समेत 6 जिलों में अगले 24 घंटे मुसीबत वाले हैं। इन इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। हिमाचल के कई जिलों में लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला में कई मकान लैंडस्लाइड में ध्वस्त हो चुके हैं। शिमला के समर हिल इलाके में लैंडस्लाइड में एक मंदिर पूरी तरह तबाह हो चुका है। मंदिर में भी बुरा हाल है। शिमला कालका रेलवे स्टेशन लैंडस्लाइड की वजह से उखड़ गया है। राजधानी शिमला में कृष्णा नगर इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से कई बिल्डिंग भरभराकर जमीन में धंस गई। इस हादसे में एक स्लॉटर हाउस और पहाड़ी पर बने कई घर गिर गए। पहले एक पेड़ इसकी बिल्डिंग पर गिरा और फिर इसकी चपेट में कई और मकान आ गए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।